हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक। ये वाली आपकी ग्रामर की बुक निकाल, उसमें यूनिट 17 पेज नंबर 23 निकाल। क्या है वर्ड पेयर्स? यहाँ पर आपको जो वर्ड दिया है उसकी पेयर सही पेयर्स बनानी है। यूनिट 17 वर्ड पेयर्स। देखो, सम वर्ड्स गो इन पेयर्स, वी यूज द वर्ड एंड टू मेक पेयर्स। जैसे कि टू थिंग है, कुछ भी टू हो, वो दोनों के पेयर हो, तो वो दोनों को छोड़ने के लिए क्या यूज होता है? एंड। जैसे कि आपके पास पेंसिल है, इरेजर है, तो आप क्या बोलोगे? पेंसिल एंड इरेजर। फिर सामने टेबल पड़ा है और चेयर पड़ी है, दोनों है, तो आप क्या बोलोगे? टेबल एंड चेयर। एंड यानी और दोनों को छोड़ने के लिए एंड का यूज होता है। आया समझ में? यस। फिर डोर हो और विंडो हो, तो आप क्या बोलोगे? डोर एंड विंडो। ऐसे आप पैर बनाकर बीच में एंड लगाकर बोलोगे। देखो, यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दिया है। लॉक एंड की। लॉक है, की है, तो आप कैसे बोलोगे? ऐसे बोलोगे लॉक है, की है। लॉक एंड की, दोनों को छोड़ने के लिए बीच में एंड। ब्लैक एंड व्हाइट, दो कलर है, ब्लैक है व्हाइट है, तो आप कैसे बोलोगे? ब्लैक एंड व्हाइट, रेड एंड पिंक, ऐसे। एक्सरसाइज मेक्स द वर्ड पेयर्स करेक्टली एंड राइट देम बिलो। देखो, यहाँ पर आपको बहुत फाइन फाइन पिक्चर दिया है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो उसमें जो सही पेयर आती है उसके साथ आपको मैच करना है। आपको मैच करना बहुत मजा आएगा। लाइन अच्छे से स्ट्रेट होनी चाहिए, एडी टेढ़ी बनाकर मैच करना नहीं है। जैसे कि फर्स्ट आपको एग्जांपल दिखाया हुआ है, तो किसका पिक्चर है? कॉक। तो कॉक के साथ क्या होता है? सोसर। तो कॉक एंड सोसर, वो दोनों की पेयर बन गई। फिर वैसे ही नेक्स्ट, यहाँ पर मैं मैच नहीं करती हूँ, आपको पिक्चर यहाँ से देखने हैं बुक में, मैं बोलती हूँ और आपको मैच करना है। इसका फोटोग्राफ आपको बुक में मिल जाएगा। पेज नंबर टू, विच पिक्चर दिस? सूज। तो सूज के साथ क्या होता है? सूज एंड सॉक्स। सूज एंड सॉक्स। नंबर थ्री, नाइफ। तो नाइफ के साथ फोर्क। नाइफ एंड फोर्क। नंबर फोर, बो एंड एरो। बो एंड एरो। नंबर फाइव, बैट। तो बैट के साथ क्या करते हो? बैट एंड बॉल। बैट एंड बॉल। फिर नंबर सिक्स, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड के साथ बटर। फिर नंबर सेवन, नीडल एंड थ्रेड, सुई और धागा। आपको आया समझ में? यस। तो ऐसे ही आपको फाइन अच्छे से मैच करना है। ओके, फिर नीचे देखो क्या लिखा है। यहाँ पर आपने जो मैच किया ना, वो ही आपको यहाँ से नीचे, यहाँ पर नीचे लिखना है। उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सब पिक्चर के साथ आपको स्पेलिंग भी दिया है, वो ही स्पेलिंग यहाँ पर लिखना है और दोनों के बीच में एंड से आपको
करना है, एंड लगाकर दोनों की पेयर बनानी है और अच्छे से लिखना है, अच्छे राइटिंग से लिखना है। ओके, मैं यहाँ पर लिखती हूँ नंबर वन, फिलअप करना है और साथ में लर्न भी करना है। ओके,